जंगल। और अब जो आज के श्री शिवशंकर तिवारी जी जो आए हैं वहां से, वो एक बाबा कुल हैं अपने, कुछ उद्गार किसी अरे बाबा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उनसे सब जी जी जी। ये सब बंधन टूट रहे, यह विकास का दौर है कैसा, ये सब बंधन टूट रहे, भाई भाई अलग हो रहे, सारे रिश्ते छूट रहे, यह विकास का दौर है कैसा, ये सब बंधन टूट रहे, भाई भाई अलग हो रहे, सारे रिश्ते छूट रहे, अपनी संस्कृति भी अरे पश्चिम के आती गई प्रभाव में, हम पीपल के छांव में उसी पुराने गांव में, कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में, हम पीपल के छांव में, हम पीपल के छांव में, हम पीपल के छांव में, शहर की हर कॉलोनी जैसे डूबी हुई तनाव में, हम पीपल के छांव में उसी पुराने गांव में, कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में, हम पीपल के छांव में प्रीति कीर्त निभाते थे सब लोग जहां संबंधों में, प्रीति कीर्त निभाते थे सब लोग जहां संबंधों में, भले ही रहना पड़ता था दादाजी के प्रतिबंधों में, प्रीति कीर्त निभाते थे सब लोग जहां संबंधों में, भले ही रहना पड़ता था दादाजी के प्रतिबंधों में, पैसा हो या ना हो फिर भी सब कुछ मिला या भाव में, हम पीपल के छांव में उसी पुराने गांव में, कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में, हम पीपल की छांव में। जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं तो मानते हैं नगरीय सभ्यता का विकास, तो श्री अवध के धरती पर यह भी एक सराहनीय कार्य है, सराहनीय सेवा हो रही है, जो संसार नहीं देखते हैं उनको शास्त्र दिखाया जा रहा है, जिनकी गति संसार में नहीं है उनकी प्रगति शास्त्र में हो रही है। तो नहीं पधारे हैं लेकिन उन्होंने अपने यहाँ के प्रज्ञा चक्षु को, जिनकी प्रज्ञा ही चक्षु का काम करती है, ऐसे प्रज्ञा चक्षु पधारे हैं, और इसमें मानपत्र उमापति को बना गई, और आश्विन कृष्ण पक्ष बुधवार तिथि नवमी को मूर्त रूप वशिष्ठावतार प्रकट आ गई। जय हिंद जय भारत। आपस में कई दिव्य शक्तियां समाहित हो, आपस में तेज पुंज के स्वरूप मृत्यु लोक आ गई, और आके आके पिंडी ग्राम जो संवारे हैं, और पूज्य ब्रह्मचारी जी सहित मेरा टाटंगरी, उनको यथोचित जो सामने हमारे हैं। सजनों, ब्रह्मलीन उमापति त्रिपाठी जी पर कुछ छंद लिखे, लेकिन उनमें से मात्र एक छंद का मैं वाचन करूंगा, क्योंकि समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। उनके जीवन वृत्त को कुछ छंदों में लिखा है, जिन स्वर वंदना समुदितौ मुदितौ रघुनंदना, समुदितौ मुदितौ रघुनंदना, समुदितौ मुदितौ रघुनंदना। परम विद्वान आचार्य श्री रत्नेश जी का सम्मान किया जा रहा है। श्री महात्यागी दिलीप दास जी महाराज का सम्मान हो रहा है।
महंत श्री संत रामदास जी, महंत श्री राम कुमार दास जी महाराज का श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी के द्वारा माल्यार्पण के माध्यम से सम्मान किया जा रहा है। श्री राम लखन महाराज श्री का, श्री फलहारी जी महाराज का माल्यार्पण श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी कर रहे हैं। छावनी सरकार का माल्यार्पण भी आपके द्वारा हो रहा है और हमारे श्री आशीष त्रिपाठी जी, श्री चंद्रशेखर पांडे जी और श्री चंद्रेश्वर पति जी, आप सभी लोग मंच पर आए और पधारे हुए समय महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी साइड में आइए आप। महाराज जी इसी क्रम में आए हुए समस्त अतिथियों का सत्कार, मंचस्थ विभूतियों का परिचय, दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति को हम सब लोगों ने नमन किया, वंदन किया। ये वेद की खोज है, हम सभी लोग दीपक प्रज्वलन करके ही कोई कार्य शुभारंभ करते हैं। भले आंग्ल संस्कृति आजकल आई और हमने प्रकाश के रूप में जो विद्युतीकरण का सहारा लिया, आप जरा गौर से देखिएगा, जब कभी हम लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीप का प्रकाश ऊपर जाता है और ये जो वैज्ञानिक व्यवस्था हमको मिली है इसका प्रकाश नीचे आता है। पहले लोग कहते थे दीपक के तले अंधेरा और आजकल इस तरह से नीचे ही प्रकाश हो रहा है। अब आगे आप अर्थ लगाते रहिएगा। करके ही उपासना करें। हमारे यहाँ उपासना की पद्धतियाँ बिलक बिलक हैं, अनेक पद्धतियाँ हैं और उसी पद्धति में ये भी एक पद्धति है। ऐसे ये कोई न मान ले कि उनकी उपासना प्रभु श्री राम को शिष्य बना करके थी, वो उपासना बड़ी प्रायः सभी महापुरुष पधार चुके हैं जिनकी प्रतीक्षा में हम सभी लोग थे। राजगोपाल मंदिर के वयोवृद्ध पूज्य संत श्री महाराज जी और श्री मणिरामदास जी महाराज के पूज्य श्री महाराज जी, महापुरुषद्वय के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए और सबसे महनीय व्यक्तित्व जिनका विषय में और जिनके सम्मान में ये समारोह आयोजित किया गया है, ऐसे परम भागवत पंडित श्री उमापति त्रिपाठी जी वशिष्ठ सम्मान श्री अयोध्या के सम्मानित पूज्य चरण संत वृंद, विद्वत वृंद, श्रीवध में वास करने वाले सभी यहाँ के पावन नागरिक, सबके हृदय में भैया
बेटा अपना को और संगति रखो।